तो गाइस मैं आपको अगर यहाँ से अगर एक वीडियो दिखाऊँ, देखें यहाँ से आपको पूरा बेहतरीन सा लॉन्चिंग का काम दिखेगा जो कि कंप्लीट हो गया। आगे पाया नंबर 10 तक का काम कंप्लीट हो गया था, पाया नंबर 10 से 11 के ऊपर अपना लॉन्चिंग का काम चलने वाला था। तो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा और ये रोड चालू हो जाएगा, इसके आगे का प्रोसेस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो गाइस। आज के इस ब्लॉग में करते हैं आपका स्वागत गाइस। बहुत ही दिनों बाद फिर से एक अपडेट लेके आ चुके हैं मोकामा न्यू रेलवेज का। काफ़ी दिन हो गया था, बहुत सारा कमेंट भी आया, बहुत सारा मेल भी आया था। आप लोग का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कमेंट और मेल किया। तो चले एक अपडेट देते हैं आपको, बहुत ही तगड़ा अपडेट देते हैं। पूरा वीडियो देखें, चैनल पे नए हैं बस सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट बनाए रखें अपने भाई का। पहले मैं आपको यहाँ से एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए आगे अपना स्टील गार्डन का लॉन्चिंग का काम चल रहा है जो कि एक ओवर ब्रिज बनाना है। नीचे से दो ट्रैक है, दो ट्रैक ऊपर से रहने वाला है। हत्या जंक्शन की अगर बात करें प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 की, तो वो अपना बहुत ही स्पीड में काम उसका हो रहा है। नीचे की अगर बात करें तो देखिए डबल रेल ट्रैक और डबल स्लीपर दोनों आया हुआ है। सामने की अगर बात करें, आप अभी देख रहे हो सामने से एक ट्रेन का क्रॉसिंग होना है जो कि हथीदा ऊपर के नाम से जाना जाता है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 जिसे हम लोग कहते हैं। बस वो जहाँ पे भी चल रहे हैं कुछ दिनों बाद यहाँ पे चलने वाले आने वाले समय में। और आपको इधर लेके चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा और ये रोड चालू हो जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ काम और बाकी है। चलते आपको ब्रिज के पास लेकर पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आपको व्यू यहाँ से अगर दिखाऊँ तो देखिए A1 पिलर था, पाया नंबर 1, पाया नंबर 2, ठीक है। अभी यहाँ का अगर आप अगर माहौल देखें तो पूरे रेलवे ब्रिज का सीन बढ़िया सा आपको दिखेगा, लेकिन काम अभी आपको कहीं भी होता हुआ नहीं दिखेगा। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इस वजह से काम का जो स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा घट चुका है। आगे लेके चलेंगे आपको, आगे आपको दिखाएंगे क्या आगे का सीन है और 12-13-14 नंबर पिलर का क्या है हाल, ये सब अभी आपको बताएंगे। और गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा है ये भी अभी आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस में। बस वीडियो में बने रहें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो फाइनली गाइस आपको मैंने पाया नंबर 1 से लेकर पाया नंबर 10 तक का पूरा अपडेट दिखाया था, कंटिन्यू अपडेट दिया था। इससे पिछले वाले जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो पाया नंबर 10 तक का काम कंप्लीट हो गया था। पाया नंबर 10 से 11 के ऊपर अपना लॉन्चिंग का काम चलने वाला था जो कि पानी का तेज बहाव को देखते हुए काम को रोक दिया गया और फिर सारे सारे क्रेन और शिप अपने आगे की ओर स्टॉक कर दिए गए, वहाँ पर मतलब कि ठहर गए हैं। जब पानी का बहाव कम होगा फिर से काम अपना चलना स्टार्ट हो जाएगा। और पाया नंबर 11, 12, 13 और 14, अगर मैं आपको तीन मात्र ऐसा तीन पिलर ही बचा हुआ था पहले जिसका काम नहीं हुआ था और वो भी पिलर अभी डूब गया। पाया नंबर 12, 13 और 14 इसका काम बहुत ही स्लो था और मैं आपको कितना बार बताया कि गाइस इसका काम स्लो है, आने वाले समय में इसका काम फास्ट हो जाएगा, लेकिन पानी का तेज धार और बहाव के कारण अभी काम रुक गया है। आगे लेके चलेंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे पूरा प्रोसेस में कि काम कितना हुआ और कितना काम बाकी है आगे का, कौन से पिलर का काम चल रहा है और आगे जो अपने लॉन्चिंग का काम हो रहा था वो भी अभी आपको दिखाने वाले हैं बेगूसराय की साइड से। बस वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, प्यार बनाए रखें गाइस। गाइस आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल जाएगा पानी का बहाव कितना बढ़ा था। सामने में अपने सारे क्रेन रखे हुए हैं, देखें मतलब साइड में लगे हुए हैं सारे के सारे क्रेन और ये एक क्रेन जिसे अभी यहाँ पे अपना काम चल रहा है ये देखें। और सामने की अगर बात करें बेगूसराय साइड की तो यहाँ से देखें ये स्टील गार्डर जो लॉन्चिंग हुआ था, बोले तो ट्रस्ट लॉन्चिंग हुआ था, वो अपने प्रोसेस में है, काम आगे बढ़ रहा है और वो इसके ऊपर आने वाले हैं कुछ दिनों में। और आगे की अगर बात करें पाया नंबर 14 की तो पाया नंबर 14 का आप यहाँ से देख सकते हैं सीन, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, बाकी पाया नंबर 13 और 12 का काम रुका हुआ है। और ये रहा अपना पाया नंबर 15 आपके सामने, तो यहाँ से पूरा एक बेहतरीन सा सीन आपको दिखा है। और लेके चलते हैं आपको इधर और दिखाते हैं इसका एक बेहतरीन सा सीन। तो गाइस मैं आपको अगर यहाँ से अगर एक वीडियो दिखाऊँ, देखें यहाँ से आपको पूरा बेहतरीन सा लॉन्चिंग का काम दिखेगा जो कि कंप्लीट हो गया। आगे की प्रोसेस की अगर बात करें तो आगे का भी काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये जितना आपको लॉन्चिंग दिख रहा है ये सारे के सारे आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखेंगे आपको मात्र कुछ दिनों में, क्योंकि आगे आपने 16 नंबर पिलर का हाल देखा ही होगा, वहाँ पे अपना भी काम चल रहा है। ये पूरा एक बेहतरीन सा सीन आपके आँखों के सामने।
गाइस वीडियो आप लोग को जरा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो ना सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई पूरा हाथीदा सेक्शन से लेके बेगूसराय साइड तक पूरा वीडियो दिखाया और तगड़ा। और आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय।